हाजी मोहम्मद साले कलहड़ो गोट, नशीरो फिरोज की हजूरा इंसाफ की तलाश में और जान से जाने के खौफ से कराची आ गईं। आज यूनाइटेड सिंध प्रेस क्लब कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हजूरा ने बताया कि रिश्ते के झगड़े पर मोहम्मद बरियल, इंस्पेक्टर निजामुद्दीन, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद हनीफ, आबिद हुसैन, मोहम्मद आलम, मोहम्मद लईक, अली हसन और मुजाहिद शाह शामिल हैं। जुल्म की इंतहा ये थी कि रियासत मदीना में इन खवातीन को मारा पीटा गया। जुल्म ये न था, इसके साथ साथ इन्होंने कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब की बेहुर्मती की और जान से मारने की धमकियां दी गईं, जिसकी वजह से ये खातून कराची आ गईं अपनी जान बचाने के लिए। हजूरा बताती हैं कि 21 अगस्त शाम को 7 बजे 6 अफराद दो गाड़ियों में आए और इनको अगवा करने की कोशिश की गई, जहां पर ये पनाह वजीर थी और इसके साथ साथ असला लहराते हुए चले गए। हजूरा का कहना है कि उसकी फैमिली को जान का खतरा है। वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर पाकिस्तान, वजीर आला सिंध, आईजी सिंध, डीजी रेंजर सिंध से अपील करती हैं कि उनको और उनकी फैमिली को तहफ्फुज़ दिया जाए और इंसाफ दिया जाए। आइए नाजरीन, हम आपको इस मुतासिरा खातून की जबानी सुनाते हैं कि क्या जुल्म किया गया इस खातून पर। जी हजूरा, आप बताएं आप पर क्या जुल्म हुआ। जी निजाम हाजी नूर मलम के मोकिलियो न्याणियों गदे कुरान शरीफ खणी विया सूं जी में हाजी वरियल मोहम्मद शरीफ असां के तशद्दुद कयो ऐं अब्दुल हुसैन रिपीटर खणी असां के धमकियूं डिनियूं ऐं असां ते जेको आहे सो पोखड़ीअ खे क़ुरान शरीफ़ हथ में जंहिंमें हू बेरुमती करे उछलाई ऐं असांखे मार कुट शुरू कयूं। निज़ाम साहब पुलिस आणाए मुंहिंजा भाइर ऐं भेनरनि ते तशद्दुद पुलिस बि कयो ऐं उन्हनि खे गिरफ़्तार करे खणी वई कमर जिम चांदियो थाणे ते, जंहिंमें असां उन्हनि खे छॾायो ऐं हू असांखे धमकियूं ॾियनि था ऐं मुंहिंजे बचनि ते हथियार खयो बीठा आहिनि। मुंहिंजी दरख़्वास्त आहे।